आप देख रहे हैं विजय टिप्स यूट्यूब चैनल, जिसके अंदर आज हम पाइप एंड सिस्टर्न के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। पाइप एंड सिस्टर्न के क्वेश्चंस को करने के लिए हम अपना टाइम एंड वर्क की सीरीज के अंदर जैसे हमने क्वेश्चन किए थे, बिल्कुल सेम वैसे ही टेक्निक से क्वेश्चंस करेंगे। उसी टेक्निक का यूज़ करते हुए हम ये क्वेश्चन को फॉलो करेंगे। अगर आपने मेरी टाइम एंड वर्क की पहले वीडियो नहीं देखी है तो टाइम एंड वर्क की आप वीडियो देख सकते हैं, जिनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएंगे। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, दो नल एक टंकी को क्रमशः 15 और 20 घंटों में अलग अलग भर सकते हैं। अगर हम दोनों को एक साथ मिलकर एक भरने की कोशिश करें तो दोनों कितने समय में भर देंगे। अब इस क्वेश्चन के अंदर हम देखिए, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया गया, हमें कहा गया 15 और 20 घंटे के अंदर कहा गया, हम दोनों का एलसीएम लें 60। हम ये मान लेते हैं कि दोनों के हमारे पास जो टोटल वर्क है हमारे वो 60 हो गया। ये 4 टाइम्स और ये 3 टाइम्स हमारे पास, डेट मीन्स दोनों मिलकर कितने घंटे में बनेंगे, 60/4 और 3 = 8 / 4/7 घंटे के अंदर दोनों मिलकर उस टंकी को भर देंगे। ऐसे ही हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये सेम डिटो हमने टाइम एंड वर्क की तरह ही करेंगे। टाइम और वर्क के क्वेश्चन भी हमारे पास इसी टेक्निक से बिल्कुल ईजी हो जाते हैं। आप उनको मेरी वीडियोज़ को देख वॉच कर सकते हैं। क्या दो नल एक साथ मिलकर 40 घंटे में टंकी को भरते हैं, बी अकेला 90 घंटे में भर देता है, तो ए अकेला कितने समय में उसको भर देगा, कितना समय लेगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या, सेकंड क्वेश्चन के अंदर दोनों ए और बी मिलकर काम करते हैं, फिर अकेले बी का बताया गया, ये 40 घंटे के अंदर, ये अकेला 90 घंटे के अंदर भर देता है। हमने दोनों को एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 360 हमारे पास। ये 9 घंटे, इसकी 9 बराबर होगी, इसकी 5 बराबर होगी, मतलब एवरेज हम या कहें या स्पीड कहें। अब ये दोनों थे, हमें अकेला ये पूछा गया, तो हम दोनों का डिफरेंस कर देंगे, सॉरी 9 = 4 बनेगा, 9 × 36 होता है, 4 आएगा, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 5। डेट मीन्स 360/5 मीन्स 72 घंटे के अंदर अकेला ए उस टंकी को भर देगा। ऐसे हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक नल ए से एक टंकी को भरने में 8 घंटे लगते हैं, तो नल बी से खाली करने में 16 घंटे लगते हैं। मीन्स एक टंकी, एक जो टूटी है टैप है वो तो पानी भरती है और एक टैप से पानी बाहर निकलता है, दोनों मिलकर टंकी को कितने समय भर देंगे। मीन्स अगर आप एक साथ दोनों टैप को चला दें, मीन्स पानी गिरता भी और पानी बाहर भी निकलता रहे। अब यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ है क्वेश्चन के अंदर देखिए, हम थर्ड क्वेश्चन के अंदर ए और बी दिया गया, ए 8 घंटे के अंदर भर रही है, वो 16 घंटे के अंदर खाली कर रही है, डैट मीन्स माइनस हो गया हमारे पास। दोनों का एलसीएम लें 16, यहाँ 2 times और 1 hours हो गया, ये माइनस का, हमने दोनों को ऐड करना था क्योंकि एवरेज निकालने के लिए, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर किया। यहाँ हमने माइनस क्यों किया, क्योंकि 2 थे ये 1 था और मुझे अकेला इसका पता करना था, 2 में से ए प्लस बी में से बी घटाऊंगा तभी ये निकलेगा। यहाँ मुझे दोनों को इकट्ठा खोला है मैंने, तो इसलिए दोनों को जोड़ना पड़ेगा, लेकिन ये नेगेटिव होगा क्योंकि पानी बाहर निकल रहा है, इसलिए इन दोनों को जब मैंने ऐड किया तो 1 वैल्यू आ गई। तो दोनों मिलकर 16/1 जो उसका एलसीएम था बाय 1, डेट मीन 16 आवर के अंदर दोनों टैब मिलकर उस टंकी को भर देंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ऐसे ही टेक्निक्स हम अपने अगले क्वेश्चन में यूज करते हैं। दो नल ए और बी क्रमशः एक टंकी को 16 घंटे और 24 घंटे में अकेले के लिए भर देते हैं। दोनों नल खोल दिए जाने के बाद कुछ समय बाद हमने क्या किया, बी टंकी को बंद कर दिया, बी जो टैप था उसको बंद कर दिया। टंकी को भरने में जो टोटल है वो 12 घंटे लगे। अब बी को कितने समय बाद बंद किया हमने, ये पता करना है। अब इस क्वेश्चन के अंदर हम देखें, हमारे पास थोड़ी सी हमें टेक्निकल इस कंसेप्ट का ध्यान रखना होगा। इस क्वेश्चन के अंदर फोर्थ क्वेश्चन में, इसमें इन्होंने 16 और 24 घंटे दिए, दोनों का एलसीएम लिया 48, डेट मीन्स 3 times 2 times हमारे पास हो गया। अब दोनों ने 12 घंटे के अंदर टूटी जो टंकी है वो भर गई। 12 घंटे के अंदर भरने का मतलब क्या है, जो ए वाली टंकी थी वो तो अकेली चल रही थी, बी वाली बंद हुई थी, तो 12 × 3 = 36, डेट मीन्स 36 घंटे तो ए ने काम किया ही किया, तो 48 - 36 डेट मीन्स 12। और बी की स्पीड कितनी है, पर घंटा 2, तो जो 12 काम बाकी बचे थे 12/2 डेट मीन्स 6 घंटे के अंदर उसने घंटे टंकी को भरा होगा। डेट मीन्स कितने घंटे के बाद टंकी बंद हुई है, बी सॉरी टंकी के क्या जो बी टैप है वो कितने समय के बाद बंद हुई है, 6 घंटे के बाद हमने बी टैप को बंद किया होगा, तभी जो टोटल दोनों को भरने में 12 घंटे लगे। अगर दोनों इकट्ठी भी चलती रहती तो 48/5 मीन्स 48/5
मीन्स हम अप्रोक्सीमेट कहें तो 9 से ही 3/5 हमें समय लगता है, डैट मीन्स हम कहें 9 घंटे 36 मिनट के करीब हमें अप्रोक्सीमेट टोटल टाइम लगता है दोनों को अगर हम इकट्ठे चलाते। अब हम इन्हीं टेक्निक्स को अगर मिक्स करना चाहें, दो नल एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे और 15 घंटे भर सकते हैं, जो तीसरा नल है वो अकेला 20 घंटे में काली कर सकता है, तीनों मिलकर नल को कितने समय भर देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास पहले और तीसरे क्वेश्चन दोनों की ही मिक्स कंसेप्ट आ गया हमारे पास। अब इस मिक्स कंसेप्ट के अंदर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन कंबाइंड के अंदर जो ए है वो 12, जो बी है वो 15 के अंदर और जो सी है वो -20 के अंदर, क्योंकि वो खाली कर रहा है उसको। हमने तीनों का एलसीएम लेंगे, तीनों का एलसीएम लेंगे 65 टाइम्स 4 टाइम्स एंड -3 टाइम्स, तीनों को ऐड कर लेंगे हम, 5 और 4 9 4 9 में हमने -3 ऐड किए 6, क्योंकि माइनस के ही है। अब तीनों भरकर करेंगी तो 60/6 डैट मीन्स 10 घंटे के अंदर तीनों जो टैप है वो मिलकर टंकी को भर देंगे। ओके थैंक्स फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरा चैनल विजय टिप्स को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों मित्रों से जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनसे शेयर करें। मेरी कंपटीशन मैथ की और वीडियो को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट ऑन कर सकते हैं, जिसके अंदर कंपटीशन मैथ के नाम से एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, मैथ के सभी टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी मेनली कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर आते रहते हैं उन सभी के क्वेश्चंस आपको अलग अलग टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट कंपटीशन मैथ के अंदर मिल जाएंगे। ओके थैंक्स फ्रेंड्स।